वहीं नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बेताल घाट में 200 मीटर गहरी खाई में पिकअप जा गिरी है। इस दौरान चालक समेत 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बताया जा रहा है कि 9 नेपाली मजदूर इस वाहन में सवार थे। 2 मजदूर जिनको बताया जा रहा है कि जिनकी हालत गंभीर है, हायर सेंटर में रेफर किया गया है। दरअसल क्षेत्र में पेयजल लाइन बिछाने के बाद ये मजदूर वापस लौट रहे थे और हादसे का शिकार हो गए हैं। तो नैनीताल से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बेताल घाट में 200 मीटर गहरी खाई में पिकअप जा गिरी है और इस घटना में चालक समेत 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि बताया जा रहा है कि 9 नेपाली मजदूर इस वाहन में सवार थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि 2 मजदूर जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। दरअसल ये सभी मजदूर क्षेत्र में पेयजल लाइन बिछाने का काम करने के बाद वापस लौट रहे थे और वापसी के दौरान हादसे का शिकार हो गए हैं। तो नैनीताल से आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर ये घटना हुई है और बेताल घाट में 200 मीटर गहरी खाई में पिकअप जा गिरी है, जिसमें बताया जा रहा है कि चालक समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। 9 नेपाली मजदूर इस वाहन में सवार थे, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसकी घटना बताई जा रही है, जब ये मजदूर वापस लौट रहे थे किसी पेयजल कनेक्शन के दौरान, उस वक्त वाहन अनियंत्रित हुआ। वाहन अनियंत्रित होने की क्या वजह रही, क्या चालक नशे में था या वो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया, इन सारे विषयों की पुलिस जांच करेगी। फिलहाल जो 2 घायल हैं उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए निकटतम अस्पताल में भेजा गया है। बिल्कुल सुदीप, बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे।